कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बिहार में कोहराम मचा दिया है। गांव, कस्बे और शहरों में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बिहार में दिनों दिन बदतर होते हालात की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर ही दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर सरकार के इस फैसले का ऐलान किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे संगठनों ने भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार से लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लागू किया गया है। लॉकडाउन के दौरान 15 मई तक बिहार में सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस और बिजली विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। बिजली विभाग, स्वच्छता, कोषागार और वित्त विभाग के ऑफिस रहेंगे खुले। डाक विभाग, जलापूर्ति और पशुपालन विभाग के कार्यालय भी रहेंगे खुले। पटना हाईकोर्ट न्यायालय प्रशासन के संबंध में अपने स्तर से लेंगे फैसला। लॉकडाउन के दौरान दुकानें, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह खुले रहेंगे बैंकिंग, बीमा और एटीएम यूनिट। पहले की तरह चालू रहेगा इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकान। 7 से 11 बजे तक खुले रहेंगे फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें। लॉकडाउन के दौरान ठेले पर घूम घूम कर बेच सकते हैं फल और सब्जियां। लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सीटों पर ही बिठाए जा सकेंगे यात्री। लॉकडाउन के दौरान ई पास लेकर ही निजी गाड़ी से कर सकेंगे यात्रा। लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार के मालवाहक ग्राहकों की चालू रहेगी आवाजाही। लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पर 15 मई तक लगा रहेगा ताला। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोह पर 15 मई तक लगा रहेगा प्रतिबंध। लॉकडाउन के दौरान विवाह समारोह में केवल 50 मेहमान ही रह सकते हैं मौजूद। शादी समारोह में बारातियों के जुलूस और डीजे निकालने पर है पूरी पाबंदी। विवाह के लिए स्थानीय थाने में कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी सूचना। अंतिम संस्कार या श्राद्ध के लिए केवल 20 व्यक्ति रह सकते हैं मौजूद। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार से जुड़े काम पर नहीं लगेगा प्रतिबंध। बिहार सरकार ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया है। इसीलिए आम लोगों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि जान है तभी तो जहान है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।